इस कहानी को याद करके ही डर लगता है। दोस्तों साल सन 2018 में फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने दो नाम रजिस्टर्ड करवाए थे अपनी आने वाली फिल्मों के लिए, जिनमें से एक नाम था बच्चन पांडे और दूसरा नाम था लैंड ऑफ लुंगी। जी हां दोस्तों, जहां बच्चन पांडे को अक्षय कुमार के साथ बनाया गया, जो कि 2022 में रिलीज हुई, और लैंड ऑफ लुंगी टाइटल अभी भी उन्हीं के पास है। और दोस्तों साजिद नाडियाडवाला इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उन फिल्म निर्माताओं में से है जो अपनी फिल्म बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। और अब फाइनली दोस्तों ये 400 करोड़ के बजट की एक बड़ी एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं सलमान खान के साथ। और खबरें हैं कि जब ये फिल्म की स्टोरी सुन रहे थे, इन्हें फिल्म की स्टोरी इतनी पसंद आई कि ये तुरंत सलमान खान से मिलने पहुंच गए। और इसके पीछे की वजह थी दोस्तों कि इन्हें फिल्म की स्टोरी सुनते समय सलमान खान का ही चेहरा सामने नजर आ रहा था। और जब ये बात इन्होंने सलमान खान को बताई और फिल्म की स्टोरी सुनाई, तो सलमान खान को भी फिल्म की स्टोरी इतनी पसंद आई कि सलमान खान ने तुरंत फैंस के बीच अनाउंस कर दिया कि 2025 की ईद पर वो एक बड़ी एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं साजिद नाडियाडवाला के साथ, जिसे AR मुर्गदोस डायरेक्ट करने वाले हैं। अब दोस्तों फिल्म की कहानी AR मुर्गदोस ने साजिद नाडियाडवाला को सुनाई थी, यानी कि फिल्म AR मुर्गदोस डायरेक्ट करने वाले हैं। अब जैसा कि AR मुर्गदोस साउथ इंडियन फिल्मों के डायरेक्टर हैं, तो इसलिए ये तो तय है कि साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म को साउथ के टच में बनाने वाले हैं, क्योंकि काफी टाइम से साउथ के टच वाली फिल्में ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है। यानी कि सलमान खान साउथ इंडियन स्टाइल में बड़े एक्शन के साथ तबाही मचाते हुए दिखेंगे बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि सलमान खान बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन सिनेमा हर जगह इन्हें इतना प्यार किया जाता है कि अगर AR मुर्गदोस 400 करोड़ के बजट में एक बड़ी मास लेवल की फिल्म बना दें, तो पूरा इंडियन सिनेमा हिल जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी, क्या साजिद नाडियाडवाला लैंड ऑफ लुंगी टाइटल के साथ ही फिल्म को बनाते हैं या किसी नए नाम को लेकर फिल्म को बनाते हैं। बाकी दोस्तों लैंड ऑफ लुंगी टाइटल सलमान खान को बहुत सूट करता है। अब ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मूवी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार अपडेट्स के लिए माय टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ।